ये शिवराज मामा उर्फ मामू, ये जब कांग्रेस सरकार थी तो एक जगह ओले पड़ गए, जाके कहते हैं, बयान देते हैं, मंत्रियों खेत खेत पे जाओ, हिम्मत है तो जाओ पता लगाओ, और मुख्यमंत्री बन गए। तो मैंने आदेश दे दिया, अरे मामा इतना मूर्ख मत बना, तेरी लाडली बहना के बिजली के वसूली में दलित महिलाओं के, नहाती हुई महिलाओं को दौड़ते आना पड़ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, और बिजली वाले उसका सामान उठा के ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, उसका पलंग उठा के ले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए शिवराज सिंह जी आपको, और उनको बर्खास्त करो, बिजली के अधिकारी जिन्होंने एक दलित महिला के साथ उनका अपमान किया है, नहाती हुई महिला को बेचारी को दौड़ती हुई आई उसके घर में सामान उठा के ले जा रहे थे। ये लाडली बहना है आपकी, 1,000 उनको दोगे और 10-19,000 वसूल कर रहे हो। ये है भारतीय जनता पार्टी। हम आपसे कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी, लड़ाई लड़ेगी, कितनों को गिरफ्तार करोगे तो हम गिरफ्तार देने तैयार हैं। राहुल गांधी कोई उस परिवार का है जो कि माफी मांग कर आ जाएगा? ये वो परिवार है जिसने जेल भुगती है, आजादी की लड़ाई में पूरा नेहरू परिवार जेल में था, मोतीलाल जी नेहरू, उनकी पत्नी जवाहरलाल जी नेहरू, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहनें, ये सारे लोग जेल गए। आरएसएस का रोल क्या था उस समय? आरएसएस कह रही थी कि हमको देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेना, हमें ब्रिटिश हुकूमत पसंद है, इसमें भर्ती हो जाओ। ये इतिहास है, उस इतिहास को बदलने का ये कुटिल प्रयास हो रहा है। नेहरू गांधी परिवार न डरा है न डरेगा, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। जितनी सदस्यता तुमको समाप्त करनी है कर दो, जितना हमको जेल भेजना है भेज दो, माफी मांगने वाले नहीं है हम लोग। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी, एक सवाल आपसे ये है कि सब लोग ज्यादातर इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं देश में कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है, जो सदस्यता खत्म की है उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन है। अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे और तमाम नेता कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी का भी बयान आया। कांग्रेस जो प्रोटेस्ट करेगी देश भर में, उसके लिए आगे क्या प्लान है? बाकी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट आ गया है क्या? पहली बात तो ये क्रोनोलॉजी का आजकल जमाना है, स्वयं अमित शाह जी हर बात में क्रोनोलॉजी लाते हैं। अब इनकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, 2019 में लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में उन्होंने ये बयान दिया। क्या बयान दिया? कि ये लोग देश का पैसा लूट कर गए और आज तक उनके से वसूली नहीं हुई। क्या कारण है कि ये लोग का नाम इस प्रकार से है, जो देश का पैसा चोर के भाग के गए? उस बात को लेकर एक व्यक्ति सूरत में मानहानि का दावा करता 2019 में, फिर वही व्यक्ति अपने प्रकरण में हाईकोर्ट से स्टे ले लेता है कि नहीं साहब, हम मुझे इसमें आगे बात, इसमें कार्रवाई नहीं करनी, स्टे हो जाता है। 7 फरवरी को राहुल जी का मोदी जी पर हमला होता है, हमला करते हैं लोकसभा में, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उससे फिर इनकी जो टीम है, भाजपा की टीम जो रोज लोग पे झूठे फेक न्यूज़ चलाती है, झूठे वादे करती है, झूठी खबरें चलाती है, उसने चिंतन किया और चिंतन ये हुआ कि उनका सूरत में जो केस है उस पर ठीक करो। तो जिस आदमी ने स्टे लिया था उससे कहा जाता है कि तुम स्टे वापस ले लो, स्टे वापस हो जाता है। मेरा पूरा जुडिशरी के प्रति सम्मान है, लेकिन संयोग देखिए कितना अच्छा संयोग है,
एक महान व्यक्ति जज साहब वहाँ पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग क्या होती है तो वहाँ पर वो हियरिंग चालू हो जाती है। 27 फरवरी से हियरिंग चालू होती है और 23 मार्च को फैसला हो जाता है। इसी बीच में जज साहब को डबल प्रमोशन मिलता है, ऐसा मेरे पास जानकारी आई है, कहाँ तक सही है। और फैसला ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 2 साल से सजा जिसको होती है उसका ऑटोमेटिकली संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये भी संयोग है, क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी आगे बढ़ती है, 24 घंटे में संसद सदस्यता समाप्त कर देती है। ये समझ में आया? ये समझ में जब विपक्षी दलों को आ गया तो हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारा समर्थन किया। अब बात यही है कि मोदी जी की सरकार इस देश में उसी प्रकार का लोकतंत्र चाहती है जिस प्रकार का लोकतंत्र रशिया में और चाइना में है, जहां विपक्ष को जेल में बंद कर दो, विपक्ष पर झूठे केस लगा दो, सदस्यता समाप्त कर दो। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मोदी जी का लोकतंत्र का ये मॉडल है। सर, कांग्रेसियों के खिलाफ वक्तव्य की लंबी लिस्ट है, भाजपाइयों ने जो वक्तव्य दिए हैं, गद्दार से लेकर सुपर खान से लेकर सब, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस मानहानि जगह जगह देखने को मिलेगी। ये देखो, ऐसा है जिसकी मानहानि हुई वो करेगा, कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी करेगी। मैंने आरएसएस के खिलाफ जितने वक्तव्य दिए हैं, मुझ पर खुद पर करीब 8 केस तो उन्होंने चला रखे हैं। एक केस MIN के ओवैसी साहब के एक चेले ने चला रखा है, एक केस वो एक रामदेव जो है उसने चला रखा है। तो ये तो बात, ये हम डरते थोड़ी ना है। ऐसा माना जाता है कि आप और राहुल गांधी खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी आशंका है कि आपके खिलाफ भी कुछ हो सकता है। क्या करेंगे, जेल भेजेंगे ना, जाने तैयार है आजकल, चलो तैयार, हम कोई भागे क्या, विदेश जाएंगे क्या, हम भगोड़े नहीं है। उसके बाद नड्डा साहब आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, भूमि पूजन हो रहा है, हम क्या इनएक्टिव है, पूरे प्रदेश में निकलने वाले राहुल गांधी जी वाले, अभी प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन एक लंबी लड़ाई के लिए किस तरह से चयन तैयार कर रहे हैं आप, देख लेना अगले महीने। सवाल यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल आप ही वहीं से आते हैं, बहुत सारे मोदी लोग हैं, महाराज भी आपके यहीं से आते थे, एक छोटा जॉली क्वेश्चन है कि हम सवाल पूछते हैं। सर, एक सवाल यह है कि 2018 में सत्ता परिवर्तन का केंद्र ग्वालियर रहा, चंबल अंचल रहा, 2020 में सत्ता परिवर्तन का केंद्र चंबल अंचल रहा, 2023 को कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी का निष्कासन हुआ, देश में राहुल गांधी का निष्कासन हुआ, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, जितनी पटवारी का निलंबन हुआ, निष्कासन नहीं हुआ, नहीं एक नहीं है, नहीं सदस्यता उसकी, उनकी सदस्यता नहीं गई है, इनकी सदस्यता गई, मतलब विधानसभा से, नहीं विधानसभा से निलंबन सत्र तक। सवाल यह है कि कांग्रेस एकजुट नहीं दिखी, अभी आपने कहा था जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कोई भी एक भी किसी का कोई भी बयान नहीं आया, कमलनाथ जी ने हल्की से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया। विधानसभा की सर बात कर रहा हूँ मैं, वहीं था भोपाल में, तो कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं देख रही है? राहुल गांधी इतना बड़ा मामला हुआ पूरे देश में, कहीं कोई बड़ा ग्वालियर को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो और भी जो आसपास के क्षेत्र हैं, हर जगह आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे। मेरा सवाल ये आता है कि जो कहना है कि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन यदि हम देखें तो संसद में उनका जो अटेंडेंस है वो 52% है, तो आपको नहीं लगता कि यदि वो अटेंडेंस को बढ़ाएं तो जनता की आवाज ज्यादा अच्छे से उठा सकते हैं? एक बात भाई, अटेंडेंस तो तब हो जबकि बोलने दे, वो माइक ही ऑफ कर देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, तो हमारी अटेंडेंस जितनी अटेंडेंस राहुल जी की देश भर में है, कोई एक आदमी बता दीजिए भाजपा का जिसने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की हो, अटेंडेंस जनता की अदालत में तो है पूरी के नहीं है, बताओ। लोकतंत्र में मंदिर माना जाता है। जी हाँ, और उसी लोकतंत्र के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में उनके बयान के पूरे अंश क्यों विलोपित किए? ये लोकतंत्र है, ये क्या लोकतंत्र है? उन्होंने ये जो भाषण दिया था 7 फरवरी को, ये संसद में दिया था कि बाहर दिया था? इसी
इसी वजह से आज बीजेपी की बड़ी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, नड्डा साहब आ रहे हैं इसमें, सिंधिया जी भी मौजूद है, कहीं ना कहीं 2023 और 2024 के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? करें ना, अच्छी बात है, करें। आप किस तरह से 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरीके से युवाओं का ये देखने में आया है कि युवा तो रूठे रूठे घूम रहे कहीं ना कहीं सिंधिया की राह पकड़ने की जुगाड़ में, और बुजुर्ग जो 75 साल की जो बैसाखियों पे चल रही है, क्या उन्हीं के चेहरा दिखा के आप चुनाव जीत लेंगे? यार दिग्विजय सिंह बैसाखी पे चल रहा है। एक मैं सुनो, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, दिग्विजय सिंह क्या बैसाखी क्यों चल रहा है? अरे सुन लो मेरे भाई, पहले आप पहले बताइए आप कौन सी मीडिया से, मेरा नाम बताइए। आज तक से हूं, आज तक, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ आज तक महोदय कि क्या दिग्विजय सिंह बैसाखी में चल रहा है? चला मेरे साथ चल के बताओ। अरे सुन, अरे सुन लो मेरा, सुन मेरा, आप बहस करने आए, मेरी बात करने आए, सुन लो। भाजपा का चेहरा कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। उनकी उम्र क्या है? क्या है उम्र क्या उनकी? मुख्यमंत्री। अरे चेहरा क्या है? 65 साल। अरे उसके आगे क्या है? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 60 साल के बाद का आप उसको बूढ़ा मानते हैं कि जवान मानते हैं? नहीं तो आपके 75 साल की। और वो और सुन, और मोदी, और मोदी क्या है? मोदी जी किस उम्र के हैं? सुनो, मोदी जी किस उम्र के हैं? देखिए आज तक में आप जरूर हैं, लेकिन आज तक की प्रतिष्ठा को आप गिरा रहे हैं इस तरह के भाषण पर। दूसरे प्रश्न पूछ के मीडिया के सवालों का कांग्रेस भागती क्यों है? मैं भाग रहा हूँ क्या? अरे अरे मैं कहता हूँ मोदी जी से कभी आपने प्रश्न पूछा है क्या? मोदी जी, अरे मोदी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है क्या? मोदी जी ने आज तक देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है क्या? बताओ, ये देखिए। और मैं करता हूँ तो फिर मुझसे सवाल ऐसे करते हैं? अरे बैसाखियों में चल रहे, आप चल सकते, मैं नहीं चल सकता। सवाल ये है दिव्य सिंह जी आपसे कि एक तरफ तो सेंट्रल की राजनीति की बात करें तो तमाम नेता कांग्रेस के सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, इस मामले में जो भी होगा कांग्रेस पार्टी तय करेगी, हमारी केंद्रीय कमेटी, वर्किंग कमेटी है, प्रदेश कमेटी है, जो वो तय करेंगे उसका निर्णय करेंगे। सर जिस तरह से अभी अभी देखने में आया है कि आम आदमी पार्टी की पूरी संगठन विस्तार हुआ है, उसमें ज्यादातर ये देखने में आया है जो कांग्रेस से नाराज लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था उनको नवाजा गया है, दूसरे से उनको सिरमौर बिठाया गया, बड़े पद दे दिए गए। कुछ नुकसान करेगी कांग्रेस का? ऐसा है, देखिए मैं आपसे इतना बार कह देता हूँ, कांग्रेस से लोग आते रहे जाते रहे, कांग्रेस चलती रही, कांग्रेस कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, उसकी आप चिंता मत करो। सर जो घेराबंदी लोकसभा चुनाव में सिंधिया जी की थी, कमोबेश वैसी स्थिति छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्या कोई फायदा लगता है आपको? एक बात सुन लीजिए, सिंधिया जी चुनाव हार गए, हार जीत तो चुनाव में होती है, लेकिन जिसने उनको हराया उसी की पार्टी में जाना क्या ठीक था? चलो धन्यवाद।